तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पे एक वीडियो चलिए बना ही देता हूँ, पीसी ज्वेलर लिमिटेड का। पहले बहुत सारे वीडियो बनाता था इस चैनल पे भी, अपने दूसरे चैनल पे भी, लेकिन आप लोगों के वजह से मैं इसमें वीडियो बनाना छोड़ दिया था। अब देखिए, इसमें गिरावट आ रही है, कल भी गिरावट आई थी, कल भी लोअर सर्किट लगा था और आज भी लोअर सर्किट लगा है। क्यों? इसका एक कारण है जो एकदम ऑफिशियल कारण है। अगर 5 तारीख का यहाँ पे अपडेट देखेंगे तो 14:04 पे आया था, मतलब कल 2 बजे एक खबर आई थी और उसी की वजह से कल भी लोअर सर्किट लगा था और उसके बाद आज भी लोअर सर्किट लगा है। हालांकि इसी न्यूज़ की वजह से सर्किट आज लगा है, ये तो क्लियर है, लेकिन कल ये न्यूज़ नहीं आई थी, उसके पहले भी सर्किट लगा था। मतलब ये न्यूज़ पहले से ही कहीं ना कहीं किसी न किसी को पता थी या लीक थी, इस वजह से जो है हुआ है। क्योंकि अगर आप भी मानते हो कि इसी न्यूज़ की वजह से सर्किट लगा है, तो इसका टाइम आपको आपको देखना पड़ेगा, 2 बज के यहाँ पे 14:04, मतलब 2 बजे की ये खबर आई है। तो अगर इस न्यूज़ की वजह से सर्किट लगना था तो 2 बजे कल लगना था, कल 2 बजे सर्किट लग जाना चाहिए था, लेकिन ये कल दोपहर में भी सर्किट पे था और सुबह सुबह भी सर्किट पे एक बार गया था। दिखाता हूँ, पहले पहले न्यूज ही देख लेते हैं। चलिए, ये एक न्यूज निकल के सामने आई है, 5 मार्च 2024 की, ठीक है ना, पीसी ज्वेलर लिमिटेड की। अब ये डेंजरस न्यूज है। ये न्यूज क्या है, एक सेबी की तरफ से इनको जो है नोटिस मिला है, ठीक है ना, सेबी की तरफ से, और इस वजह से जो है कुछ सेबी के नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया है, उसके बारे में ये जो है अपडेट बताई जा रही है। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूचित किया जाता है कि कंपनी को सेबी नियमों के नियम और जो है 4-1 के तहत, जो है 4-1 के तहत 4 मार्च 2024 को ईमेल के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कारण बताओ नोटिस SCN प्राप्त हुआ है। मतलब इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, कुछ इन्होंने चूक किया है। जो यहाँ पे बताया गया है कि SCN ने कंपनी के खाते को NPA में बदलने के मामले में आवश्यक खुलासे के संबंध में सेबी ने जो है इनसे कारण बताओ नोटिस जो है जारी किया है। मतलब कुछ NPA खातों को जो है NPA में बदलने के मामले में इन्होंने कुछ खुलासा नहीं किया है, मतलब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं या फिर कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, जैसे सेबी जो भी देख रहा है। तो वो NPA खाते, तो मतलब वहीं पे दिक्कत है कि कुछ उसको क्लियर नहीं हो रहा है सेबी को, तो वो बता रहा है कि नहीं, आप क्लियर करिए कि ये क्या है, ऐसे क्या है, कोई से क्या है, जैसे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आप क्लियर करिए कि क्या है, ठीक है ना, ये यहाँ पे बताया गया। और इसके तहत एक नोटिस जारी की गई है और उसी वजह से जो है इसमें गिरावट देखने के लिए मिली है, कुल मिला के सेबी के रडार पे आ चुका है, ठीक है ना। अगर सही है कंपनी तब तो सही है, गलत अगर कुछ भी मिलता है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सेबी को समझ में नहीं आया है, तभी वो कारण बताओ नोटिस जारी की है। तो देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रावधानों का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया है इनको जो है, सेबी परिपत्र दिनांक 21 नवंबर 2019 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने का आरोप जो है वो लगाया गया है। मतलब कुछ रेगुलेशन है, कुछ रूल है जो इन्होंने फॉलो नहीं किया है या फिर कुछ भी उस हिसाब से जो है नहीं कुछ किया है, इस वजह से इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, कानूनी मामले समाधान योजना आदि के लिए, ठीक है ना। हालांकि कंपनी अपने तिमाही परिणामों के साथ साथ परिणाम प्रस्तुति को आवश्यक प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करती रही है, तो रिजल्ट विजल्ट इनका सही सही टाइम पे आता रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसकी राय में कि उपरोक्त SCN का वित्तीय पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, मतलब इससे फाइनेंशियल पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने अच्छे से रिजल्ट भी घोषित किया था, रिजल्ट में अच्छा सा सब कुछ दिखाया था, तो वो सही है। कंपनी के परिचालन या अन्य गतिविधियां, क्योंकि ये जानकारी पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है, सभी कानूनी मामले भी वर्तमान में विचाराधीन है और कोई अंतिम निर्णय नहीं है, तो कोई इनके जो पहले के कुछ कानूनी मामले थे उन पे भी कोई फैसला वैसला नहीं आया है, कुल मिला के यहाँ पे कहा जा रहा है। अब कंपनी कह रही है कि ये जो SCN ने कारण बताओ नोटिस दिया है, इसका कोई है नहीं, इसको हम लोग जो है कानूनी सलाह ले रहे हैं और इसका जवाब जो है उचित समय जो है इस पे कार्रवाई
की जाएगी। तो देखिए मैटर तो ठीक है, एक नज़र में तो बड़ा गंभीर नज़र आता है कि अगर कुछ डेंजरस हो गया तो, और अभी तो झटका लग भी रहा है, जैसे कि अभी जेएम फाइनेंशियल और सॉरी वो आईएफएल फाइनेंस और एक और फाइनेंस अभी था, उन सब में अभी आरबीआई का डंडा पड़ा है तो उन सब में गिरावट है। पेटीएम में पहले से पड़ चुका है, तो इस तरह से हो सकता है सेबी का डंडा इस पर भी पड़ जाए, तो कोई सारी वाली बात नहीं, पड़ ही चुका है। अब देखना है कि सिद्ध होता है कि नहीं होता है, तो ये सब यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। आज कोई भी लार्ज डील देखने के लिए नहीं मिली है, बढ़िया सा वॉल्यूम इसमें आज ट्रेड हुआ है, क्योंकि एक बार इसमें सर्किट जो है वो छूटा था, देख सकते हो यहाँ पे एक बार ट्रेडिंग हुई थी इसमें, 18-19 लाख के आसपास इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। अब ये रेंज है ना, ये रेंज इसके लिए डेंजरस रेंज है, और ये मैं बताया भी था आप लोगों को कि जब तक इस रेंज में है ये कहीं पे भी जा सकता है। ऊपर के साइड में जो यही वाला हाई था 65 रुपये और नीचे के साइड में 50 रुपये, तो 15 पॉइंट का मैं आप लोगों को बताया था इसमें कि ये एक जोन है। अब इसको तो कल ही लोअर सर्किट इसका छूट जाना चाहिए, ट्रेडिंग होनी चाहिए, हालांकि आज भी हुआ था, वही दिखा रहा था अभी नहीं आप लोगों को, तो हुआ था, वैसा कोई बात नहीं है लोअर सर्किट पे कि शेयर नहीं सेल हो रहा है, हो रहा है। अगर ये सही निकला तब तो फिर थोड़ी बहुत और गिरावट आएगी, नहीं अगर सही नहीं निकला तो ठीक है 50 रुपये का सपोर्ट लेके फिर से कंसोलिडेट करके ऊपर भाग जाएगा। 88 रुपये और 112 रुपये के आसपास का टारगेट रह सकता है, 50 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं 50 रुपये लेवल ब्रेक हो जाएगा नीचे की साइड में तो फिर थोड़ी बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है, फिर 40 और 40 के बाद तो फिर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो देख लेना आप लोग, वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, इसीलिए मैं इसकी अब वीडियो नहीं बनाता हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ दूसरे वीडियो पे, ठीक है ना।